चैन एंड क्लास चैप्टर 3 फील्ड क्राफ्ट एंड बैटर क्राफ्ट। टुडेस टॉपिक इज टाइप्स ऑफ ब्राउन। टाइप्स ऑफ ब्राउन क्यों पढ़ना ज़रूरी है, पहले हम ये जानेंगे कि किसी भी कमांडर को ब्राउन के बारे में जानकारी अगर होती है तो वो अपनी थीम को उसी के अकॉर्डिंग मूवमेंट के लिए ऑर्डर्स देता है। सो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ग्राउंड का, और ग्राउंड किस तरह की ग्राउंड है, उसमें किस तरह का मूवमेंट करना है। अगर ग्राउंड में काफ़ी झाड़ हैं, टीले हैं, तो इन्फेंट्री को इजीली वो उसमें मूवमेंट कर सकती है, छिप छिपा के वो आगे बढ़ सकती है। लेकिन अगर इसी के बदले अगर फ्लैट ग्राउंड आता है तो वो डायरेक्ट नहीं हो, वो ज़्यादा आगे मूवमेंट नहीं कर पाएगी, क्योंकि एक आमने सामने की वो लड़ाई होगी, आप एक दूसरे को फायर करते रहेंगे। तो ग्राउंड की जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी होता है, बहुत ही आवश्यक है एक कमांडर को भी। तो टाइप्स ऑफ ग्राउंड, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ग्राउंड: ब्रोकन ग्राउंड, फ्लैट एंड ओपन ग्राउंड, हाई ग्राउंड, डेड ग्राउंड। ब्रोकन ग्राउंड क्या होता है, मैंने कहा एक अनइवन ग्राउंड होता है जिसमें नाले होते हैं, टीले होते हैं, सैंड फील्ड्स होती हैं, द ग्राउंड में होती है, जिससे कि ईजिली लोग उसका आड़ ले सकते हैं, दुश्मन की नज़र से छिपने के लिए छिप छिप के वो आगे बढ़ सकते हैं। इट इज़ अ सुटेबल फॉर मूव ऑफ इन्फेंट्री, इन्फेंट्री के लिए बहुत अच्छे मूवमेंट के लिए बहुत ही अच्छा ग्राउंड माना गया है, बेस्ट ग्राउंड माना जाता है ब्रोकन ग्राउंड। फ्लैट एंड ओपन ग्राउंड, इट इज़ अ इवन ग्राउंड, ये ग्राउंड एकदम सिंपल होती है, इसमें थोड़े बहुत कहीं ना कहीं वो झाड़ हंकार होता है, अदरवाइज ये ग्राउंड इन्फेंट्री के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि इसमें आप दुश्मन के सामने होते हैं तो आप कोई भी दुश्मन अलर्ट होता है, तो दोनों की तरफ से फायर होते हैं, दोनों में काफ़ी लोगों की डेथ होती है, तो इट इज़ नॉट गुड फॉर इन्फेंट्री। हाई ग्राउंड, ग्राउंड फॉर अबव द जनरल लेवल ऑफ द एरिया एग्जाम्पल है, जब हम किसी पहाड़ के ऊंचे टीले पर होते हैं तो हमें नीचे का सब कुछ क्लियर दिखाई देता है, हम हर चीज़ बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, उस एरिया को ऑब्जर्व कर सकते हैं, फायर कर सकते हैं कहीं से भी, तो इट इज़ अ गुड हाई ग्राउंड। एंड डेड ग्राउंड, डेड ग्राउंड वो होता है जो ऑब्जर्वर की नज़र से बच जाता है, जो एक दिखाई नहीं देता है। एग्जाम्पल, जैसे आप अपनी छत पर खड़े हैं, छत पे मिडिल पे आपने आप खड़े हैं, आप अपनी छत से सामने की छत आप देख रहे हैं, बट नीचे की रोड, इस मिडिल से आप खड़े होकर नीचे की रोड को मिस कर रहे हैं, क्योंकि आप मिडिल की छत पे खड़े हो, आपको सामने की छत दिख रही है, दूर दूर तक एक लेवल आपको दिखाई देगा उस छत के, बट वो जो नीचे की रोड होती है वो आपको नहीं दिखाई दे रही है, तो वो जो पार्ट आपको दिखाई नहीं देता, दिस इज अ कॉल्ड डेड ग्राउंड, जो ऑब्जर्वर के नज़र से छिप गया है। तो इट कैन नॉट बी कवर्ड बाय फ्लैट ट्रैजेक्टरी वेपन, इसमें इस ग्राउंड को कोई भी वेपन कवर नहीं कर पाती है, तो ये ग्राउंड बहुत ही हेल्पफुल होती है दुश्मन जो होता है, जैसे हम अगर किसी देश में किसी हमें भी अगर कहीं अटैक करना है, हमें अगर डेड ग्राउंड की फैसिलिटी मिलती है तो हमारे लिए भी अच्छा है, हम इजीली आगे मूव कर सकते हैं, इसी तरह ये हमारे दुश्मन के लिए भी डेड ग्राउंड बहुत ही अच्छा रहेगा, तो क्योंकि स्थितियाँ दोनों की तरफ बेस्ट होती है। फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्राउंड, अगर हमें किसी ग्राउंड का डिस्क्रिप्शन देना है तो वो हम डिस्टेंस के अकॉर्डिंग देते हैं, तो कैसे देगा, ऑब्जर्वर अपने जहाँ वो खड़ा होकर ऑब्जर्व करता है वहाँ से वो डिस्टेंस को मेज़र करता है, अनुमान लगाता है, तो जो 300 मीटर का क्षेत्र होता है वो फोर ग्राउंड कहलाता है, 300 मीटर से 500 तक के मीटर का क्षेत्र जो होता है वो मिडिल डिस्टेंस होता है, और बियॉन्ड जो 500 मीटर होता है, यार्ड्स होते हैं, जो 500 से ज़्यादा हो जाता है वो फार डिस्टेंस होता है। तो इस तरह ग्राउंड का डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। नाउ क्लास, थैंक यू एंड जय हिंद।